मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के SDM को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के CEO भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के CEO। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी CEOs होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका FPO भी किसानों से फसल खरीदता है, इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथियों, जागरूकता है तो जीवंतता है। अपनी जागरूकता से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले एक कृषि उद्यमी श्री वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी कभी ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। 2 साल पहले ही वो भारत आए और अब हरियाणा के कैथल में रहते हैं। दूसरे लोगों की तरह ही खेती में पराली उनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन आज मन की बात में मैं वीरेंद्र जी को विशेष तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके प्रयास अलग है, एक नई दिशा दिखाते हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी।
इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशीन से उन्होंने पराली के गट्ठे बनाना शुरू कर दिया। गट्ठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। इसका फायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से वीरेंद्र जी पराली उठाते हैं। हमने कचरे से कंचन की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन पराली का निपटारा करके पैसा और पुण्य कमाने का यह अनोखा उदाहरण है। मेरा नौजवानों, विशेषकर कृषि की पढ़ाई कर रहे लाखों विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अपने आसपास के गांवों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में, हाल में हुए कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। ऐसा करके आप देश में हो रहे बड़े बदलाव के सहभागी बनेंगे।